हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून मेरे सारे भाई लोगों को। और गाइस, आज जो है मैं अपने गोप्रो की टेस्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग शूट करने के लिए जाना है एक दो दिन में। तो फिर गाइस, मेरे को जो है गोप्रो वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं गाइस कहीं और चेक करते हैं गाइस की जो गोप्रो है उसमें जो साउंड है गाइस वो कैसी आ रही है। तो आई होप तुम लोगों को जो गाइस साउंड है वो अच्छी मिलेगी। तो चलते हैं गाइस अपने भाई के साथ और ढेर सारा प्यार अपने भाई को बताओ गाइस, क्योंकि तुम लोगों की सपोर्ट होगी गाइस मेरे को, तभी मैं कुछ जो वो कर सकता हूँ, नहीं तो एकदम से गाड़ी आ गई थी गाइस। देखा तुम लोगों ने यार, मतलब आराम आराम से लेके जाते हैं अपनी धनो रानी को, क्योंकि गाइस आज मैंने इसको वॉश करी है। तो आज मैंने जो है वॉश की हुई है गाइस, और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से गंदी हो जाए, क्योंकि बहुत दुख होता है। मैं जो है गाइस वो खेलते हैं हम लोग। तो अभी जो भाई तुम्हारा यहाँ पे पहुँच चुका है गाइस, और इसको लगाते हैं साइड में कहीं पे, और कुछ यूं यहाँ पे है ऐसा सीन। और जैसे तुम लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है अपने लोंडे फुल पावर यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। तो अभी करते हैं इनसे थोड़ी सी बात और मिलते हैं गाइस तुम लोगों से उसके बाद। तो बने रहो तुम्हारे भाई के साथ साथ, और भाई जो स्पोर्ट है वो तो मिलेगी तुम लोगों को गाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ से चलते हैं, और तुम लोग जैसे कि पीछे चेक कर सकते हो, ये जो है गाइस एक प्यारा सा बच्चा मेरा सब्सक्राइबर है। और अभी चलते हैं गाइस, तुम लोग जैसे देख सकते हो अभी तक यहाँ पे जो है वो मैच चला हुआ है गाइस। तो अभी रिशु ब्रो जो है वो आ रहा है, तो पानी पीने गया गाइस वो, और चलते हैं यहाँ से फिर। गाइस मैंने जो पहले जो एंगल डाला हुआ था ना वो इसका मीडियम एंगल था गाइस, और अभी जो है भाई तुम्हारा वो जो है गाइस वो वाइल्ड एंगल में आ गया है। तो आई होप तुम लोगों को जो इसका वाइल्ड एंगल है गाइस वो बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, क्योंकि गाइस मेरे को भी अच्छा लग रहा है इसमें देखने में ही। तो अभी मैं घर पे जाऊंगा गाइस, तभी मेरे को पता लगेगा कि मतलब क्या है और क्या नहीं है। तो चलते हैं फटाक से आगे वाली साइड के लिए, और मिलते हैं तुमसे आगे। तो गाइस अभी चलते हैं हम यहाँ से आगे वाली साइड के लिए, और आई होप तुम लोगों को मेरी आवाज जो गाइस वो बहुत ही अच्छी आ रही होगी। तो चलते हैं अभी थोड़ा सा आज लेट आने की भी कोशिश करते हुए भाई तुम्हारा। तो बने रहो अपने भाई के साथ साथ, और अपना प्यार जो गाइस वो अपने भाई को यूं ही बताते रहो। तो आज भी भाई तुम्हारा निकल चुका है गाइस वीडियो बनाने के लिए, और आज जो है गाइस वो 4K में वीडियो आएगी तुम लोगों को, क्योंकि आज मैं अपने गोप्रो से शूट कर रहा हूँ गाइस। ऐसे गाइस मैं फोन से शूट करता था। तो अभी चलते हैं, मेरे पास एक और गोप्रो गाइस, और उसको हम लॉन्ग रेंज पे यूज करा करेंगे। उससे क्या होगा गाइस, उसको मैं कहीं साइड पे लगा के ना पीछे का एंगल या साइड का एंगल जो ना गाइस वो शूट कर लिया करूंगा। तो बने रहो अपने भाई के साथ साथ, और गाइस अपना जो प्यार है वो यूं ही बताते रहो। तो चलते हैं अभी आगे और चेक करते रहो गाइस कि क्या बनाता है भाई तुम्हारा और क्या बताता है तुम लोगों को। तो पिकॉक तुम लोग देख सकते हो गाइस, पिकॉक। तो यहाँ पे जो ना गाइस मतलब बहुत ज्यादा जंगली जानवर होते हैं गाइस, अच्छे से अच्छे जानवर जो है वो भी तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देख सकते हो तुम लोग गाइस, जैसे कि नया टायर डल चुका है, और भाई तुम्हारा अभी बिना डर के जो गाइस इसको लेटा देता है। पहले मेरे को क्या था गाइस, डर लग पड़ता था क्योंकि टायर जो था वो गाइस सारा का सारा खराब हो चुका था। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस, इतनी हैवी मशीन है और ऊपर से तुम्हारा टायर अगर ठीक नहीं होगा गाइस तो फिर तो डर तो लगता ही है। और पहले भी तुम लोगों को पता जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था गाइस, तो फिर अभी जो वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम। तो अभी कुछ यूं यहाँ पे, और इसको करते हैं गाइस यहाँ से न्यूट्रल, और चलते हैं नीचे थोड़ा सा। चलते हैं अभी यहाँ से घर की साइड, और एंगल का गाइस मेरे को पता नहीं कि कैसा आ रहा है। तो चलते हैं अभी, बने रहो अपने भाई के साथ।
तो गाइस आज जो है वो मैं ऐसे चलाया था घर से टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा गोप्रो गाइस उसमें जो आवाज आ रही है वो कैसी आ रही है और हमारी जो वीडियो आ रही है गाइस वो कैसी आ रही है। तो अभी घर पे जाके चेक होगा गाइस कि जो वीडियो है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक। अगर ठीक आ रही होगी गाइस तो फिर दिल खुश हो जाएगा और तुम लोगों को भी गाइस फुल पावर जो वो मजा आएगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा जैसे कि गोप्रो का जो गाइस वाइड एंगल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस मेरे जो गोप्रो की बैटरी है गाइस वो भी कम ही थी, मैं फुल चार्ज करके नहीं लेके आया था, तो और एक ही बैटरी लेके आया था गाइस, तो दूसरी बैटरी ले आता तो भी काम चल पड़ना था, पर कोई बात नहीं है। अभी जब भी राइड करने जाएंगे गाइस तो दोनों बैटरी फुल चार्ज करके लेके जाएंगे, तो अच्छी जो है गाइस वो बैकअप दे देंगी हमें। तो चलते हैं अभी आगे और बने रहो अपने भाई के साथ साथ। तो तुम लोग देख सकते हो गाइस जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा जो वो अंधेरा भी लग पड़ा होने, तो अभी घर में जाएंगे गाइस, फिर उसके बाद जो वो वीडियोस देखेंगे, फिर उसके बाद गाइस वीडियोस की एडिटिंग करूंगा मैं। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी आई होंगी तो फिर उसके बाद जो वो मैं डाल दूंगा, अगर अच्छी नहीं आई होंगी गाइस तो फिर नहीं डालूंगा। और आज गाइस मैंने मतलब थोड़ी सी वीडियोज उठाने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी मैंने जो गाइस वो इसकी सर्विस नहीं करवाई है, अभी तक टायर डलवाया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ गाइस की मतलब बाइक पे जो है वो भी और काम करवाने मांग जाए, मेरी जो बाइक है वो और काम ना मांगे, इसलिए आज मैंने गाइस मतलब ज्यादा इसको ये नहीं किया है। लेकिन देखते हैं अभी जब भी हम अभी लॉन्ग राइड पे जाएंगे गाइस कहीं पे, तो उस दिन जो है गाइस वो व्हीलीज मारेंगे। तो क्योंकि गाइस ये जो रास्ते हैं वो थोड़े से मतलब कंजेस्टेड रास्ते हैं गाइस, थोड़ा खुला रास्ता होना तो उसमें ठीक रहता है, क्योंकि अगर मान लो जैसे 200 cc तक की बाइक है तो गाइस इन रास्तों पे चल पड़ता काम, लेकिन ये 400 cc का है गाइस आप लोगों को पता डेविल, तो फिर इसको तो गाइस तुम लोगों को पता रास्ता भी वैसा चाहिए, क्योंकि जब जो आगे छूटती गाइस तो फिर इसको लॉन्ग चाहिए थोड़ा सा और खुला सा रास्ता हो गाइस। तो देखते हैं अभी कहीं पे जाएंगे अगर नेक्स्ट ब्लॉग शूट करने के लिए, तो फिर गाइस वहां पे जो है हम फुल पावर व्हील्स मारेंगे। तो अभी चलते हैं फटाक से घर को और घर में करते हैं गाइस एडिटिंग, तो बने रहो तुम्हारे भाई के साथ। और तो वही सीन और रखा गाइस। तो हेलो गाइस, और आज तुम्हारा भाई तुम लोग चेक कर सकते हो गाइस कुछ यूं यहाँ पे आया है। और गाइस अभी हमने यहाँ पे जो है वो थोड़े से मज़े भी किए, और आज मैं अपने गोप्रो से जो है गाइस वो शूट कर रहा था, तो आज देखते हैं घर में जाके कि जो रिकॉर्डिंग है गाइस वो कैसी होती है। तो अभी तक मेरे को ये पता नहीं गाइस कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, लेकिन आई होप इतने पैसे खर्चे मैंने गोप्रो के लिए तो फिर गाइस जो रिकॉर्डिंग होगी वो अच्छी हो रही होगी। और सब्सक्राइब करवाओ गाइस और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और पीछे तुम लोग चेक कर सकते हो जैसे कि अपनी धनो रानी खड़ी है। और अभी चलते हैं घर को और देखते हैं घर में जाके कि जो हमारी जो वीडियो है वो गाइस कैसी आई है। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।